तो दोस्तों आपके डिश एंटेना का LNB ख़राब हो गया है और सिग्नल नहीं आ रहा है, तो आप सोच रहे हैं कि ख़राब LNB को हम रिप्लेस करें एक नए LNB से। तो कौन सा LNB हमें ख़रीदना चाहिए, कौन सा LNB अच्छा है, तो ये काफ़ी सारे फ्रेंड्स हमें बार बार सवाल करते रहे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि अगर हम ख़राब LNB को रिप्लेस करना चाहें तो कौन सा LNB हमारे लिए सही रहेगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ये बहुत ही कूल टाइप का एक LNB है और यहाँ पर और भी कंपनी के काफ़ी सारे LNB है। तो ऐसे ही आपके सामने भी दोस्तों जब आप लोकल मार्केट में जाएंगे या फिर कोई LNB खरीदने आप जाएंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आपके पास रहेंगे, लेकिन इनमें से आपके लिए अच्छा LNB कौन सा है? क्या हम सॉलिड का खरीदें, क्या हम MCBS का खरीदें, कौन सा LNB है जो हम खरीदें? तो इसी टॉपिक पर दोस्तों बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने और नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर से कर लें ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास पावर DX का एक काफ़ी कूल लग रहा होगा आपको एक LNB। तो ऐसे दोस्तों आपको किसी भी LNB को देख के मालूम नहीं पड़ेगा या फिर ऐसे नहीं मालूम पड़ेगा कि कौन सा बेहतर है और कौन सा नहीं है। इसके अंदर आपको दोस्तों जो देखना है वो है उसकी नॉइज़ फिगर। जी हाँ दोस्तों, नॉइज़ फिगर पर डिपेंड करता है LNB अच्छा है या फिर अच्छा नहीं है। ठीक है, तो LNB यहाँ पर आप देख सकते हैं जीरो प्रताप का LNB है, यहाँ पर लिस्पन है, यहाँ पर MCBS है, तो उनकी नॉइज़ फिगर चलिए देखते हैं कितनी है। तो आपको भी यही दोस्तों एक बात सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, नॉइज़ फिगर 0.5 dB यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मतलब दोस्तों जो ये वाला LNB है वो 0.5 dB का है और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टारकॉम का जो नॉइज़ फिगर है 0.1 dB है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि भाई इनमें से कौन सा बेहतर है, तो दोस्तों जो भी LNB में 0.5 से कम dB है यानी कि 0.1 वाला सॉलिड का ये भी बेहतर है। ठीक है, और जिसमें भी या फिर 0.2 के भी आपको LNB मिलेंगे। प्रताप यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.5 dB लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो 0.5 से जितने भी dB कम है उस हिसाब से आप समझ लो कि वो उतना बेहतर है। लिस्बन का अगर हम बात करें तो ये भी दोस्तों 0.5 dB है। ठीक है, तो 0.5 से जितने भी dB कम है वो अच्छा है, यानी कि सबसे अच्छा अगर हम बात करें तो 0.1 dB वाला कोई भी LNB आप ले सकते हो आराम से। और मार्केट में दोस्तों ये अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं, यानी कि 0.1 वाले जो LNB है उनकी भी कीमत इतनी ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो ये आप स्टारकॉम का ले सकते हो 0.1 dB वाला है, और उससे भी ज़्यादा दोस्तों डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी का आप ले रहे हो LNB। ठीक है, एयरटेल की जब मैंने बात की थी, एयरटेल जो LNB था उसके अंदर आपको DB जो है 0.1 वाला वो है वो काफ़ी बेहतर है। पावर DX की बात करें तो उसके भी LNB काफ़ी अच्छे आते हैं। ठीक है, सॉलिड की अगर हम बात करें तो वो भी अगर आप 0.1 वाला LNB खरीदते हैं तो बहुत बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देगा आपको। और साथ में यहाँ पर कुछ और कंपनीज़ भी आपको अपने लोकल मार्केट के हिसाब से मिल जाती है। तो मेरी राय में दोस्तों मैंने यहाँ पर सभी LNB को चेक किया, यहाँ पर मुझे 0.1 वाले जो भी LNB है उनके सिग्नल बेहतर लगे। और मेरी राय में अगर आपको नया LNB खरीदना है तो आपको 0.1 dB वाला LNB ही खरीदना चाहिए। तो अगली बार अब आप किसी भी LNB खरीदने के लिए शॉप पर जाए तो वहाँ पर मुझे यकीन है कि आप उसकी नॉइज़ फिगर ज़रूर से चेक करेंगे और उसके बाद ही कोई नया LNB खरीदेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के भी बताई हुई इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल रही होगी, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अब वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी दोस्तों नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।